Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. So let's start this vlog. ये हमारी fluffy mother में बैठी हैं। अच्छा मैं जब भी यहाँ बैठ के vlog शुरू करती हूँ ना, fluffy लाजमी इधर ही बैठी रहती है, पता नहीं क्यों। उसकी जगह है ये। अच्छा जी, उसकी जगह है ये। हाँ। बल्कि ये room ही उसका है। अभी अभी आयशा गई थी ऊपर कपड़े उतारने के लिए और आयशा ने मुझे नीचे आके बताया है कि बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, ऊपर आसमान बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसलिए अब मैं एक व्यू कैप्चर करने जा रही हूँ। हाय सांस चढ़ गया। और वैसे मैंने लेंस तो लगाए हुए नहीं है, मुझे खुद तो कुछ नजर नहीं आएगा। वो देखें कितना हसीन लग रहा है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत प्यारी हवा चल रही है। अच्छा जब भी हमारे यहाँ मौसम इस तरह का होता है ना, तो इस साइड पे ज्यादा प्यारा व्यू आता है, पता नहीं क्यों। और मैंने सोचा कि एक बार मैं फ्लैश ऑफ करके भी इसकी वीडियो बनाती हूँ, ज्यादा क्लियर नजर आएगा। कितना प्यारा लग रहा है, हवा भी चल रही है तेज और ठंडी, और मैंने जर्सी भी नहीं पहनी हुई। तो हमारा मैक्सो बेटा निकला पिंजरे में से ना मौसम एंजॉय करने के लिए ना, चिन्ना को हाँ और मैक्स इतना बदतमीज है ना, बात एक दो दिन पहले नमाज पढ़ने के लिए ऊपर आई थी धूप में, इसने उसकी ना आईब्रोज में से पूरा मांस उतार दिया, इतना ये बदतमीज है, ऐसे करता है ये। और उसकी ना यहाँ से सारा उसने मांस उतार दिया, खून निकल रहा था बहुत ज्यादा इस बात का। बाहर अरिफरा गई थी बाजार और वो मेरे हैमस्टर्स के लिए धनिया लेकर आई है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब मेरे हैमस्टर्स का धनिया आता है। वैसे ये भी पड़ा हुआ है, ये मैंने मेरे लिए, वैसे अगर नजर आ रहे। अच्छा उन्हें नजर आ गए, ये आयशा के हैं। अच्छा ये मैंने पहले मंगवाए थे, दो तो कहा था, वैसे तीन कहा था मैंने। खीरे भी लेकर आई है और ये कितने छोटे छोटे खीरे हैं। और ये इफ्रा लेकर आई है। हमारी मामा अकेले अकेले रोटी खाते हैं। मामा आपने हमें पूछा भी नहीं। मैं पूछते चल रही हूँ। ये इज्जत है हमारी। आज हमारे घर बने हैं आलू और इसमें इफ्रा ने नमक जहर कर दिया है। अच्छा मामा की फ्रेंड ना दो तीन दिन पहले मेरे लिए ये लेकर आई थी, मतलब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। और ये तो आयशा की है, ये मेरी नहीं है। और ये ना मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पोनी टेल बनाती हूँ ऊंची सी, इतनी प्यारी लगती है वो मुझे। बड़ा गुस्सा आता है मुझे जब तुम मेरी चीजों के साथ ऐसे करते हो ना, जुड़ भी नहीं लिया वो। एक दिन ना इफ्रा इसमें पंगे ले, एक दिन इफ्रा इसमें पंगे ले रही थी बाहर की रिंगलाइट में, और उसने फिर ये तोड़ दी थी, मतलब गलती से टूट गई है। जोड़ भी दी थी मैंने, इसने नीचे किया थी जोर से, जोड़ दी, मतलब ये एक ही बात किए जा रही है कि मैंने जोड़ दी थी ये। अब इसको धागे की तरह जोड़ देगी, अब हम इसको ना नीचे कर सकते हैं ना ऊपर कर सकते हैं, तो ये सही कर दी। अब ये टैक्सी व्लॉग है ना, व्लॉग बोल रही है ये, तो पंगे लेते लेते इफ्रा ने इसको तोड़ दिया था, फिर मैंने और इफ्रा ने मिलके इसको जोड़ा था, लेकिन ये हमने धागे से जोड़ा था, सही तरह प्रॉपर जो जुड़ती है वो नहीं जुड़ी, और अब ये इस तरह नहीं हो रही और ये टूट गई है। मैं वेली बैठी थी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मेहंदी लगाई जाए, अभी मैं हैंड वॉश करके आई हूँ, और ये भी मैंने अपने लगाया फ्लावर, कुछ था ही नहीं करने के लिए, मैं बोर हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मेहंदी लगा लेती हूँ। और हाँ मुझे याद आया, मामा ने ना मुझे इस डिज़ाइन की पिक्चर सेंड की थी, मामा कहती है देखो कितना प्यारा लगाया हुआ है, मैंने कहा तो इसमें कौन सा मुश्किल है मैं भी लगा लूँगी, मामा कहती है नहीं जी तुम्हें नहीं लगाना आता इस तरह का, जब मैंने लगा के दिखाया ना मामा कहती है ओ, मैंने कहा आपने तो कहा था तुम्हें आता ही नहीं इस तरह का लगाना। मामा को पता नहीं है कि कलाकार है उनकी बेटी, कलाकार। आयशावान से गए नूडल्स बना के लाई है, और सुमैया की नीयत इस बात कदर खराब है व्लॉग बनाने की, धुंधला व्लॉग बना रही है, तो अब क्या करें, जब ये नूडल्स गर्म है तो इसकी भाप आ जाएगी ना इसके ऊपर, और ये सैम जो है ना इतनी बदतमीज है कि सबका छीन के खा देता है। और मैं अपने पैसों का कुछ नहीं मंगवाता, दीदी मैंने अपने मुंह से बता दिया बस, और बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, खाने भी दो। नियत वाली ना कभी स्टिंग मंगवाती है अपनी, ना कभी अपने नूडल्स मंगवाती है, बस हमारा छीन। और अगर मंगवाती भी हूँ तो मैं किसी को देती नहीं हूँ। ये भी साथ ही बैठा, ये कह रहा है मैंने भी खाना, ये बहुत चावल लड़की है। तो अभी अभी मैं फ्री हुई थी नूडल्स खा के, और मुझे मिर्चें भी बहुत ज्यादा लग रही थी, अभी मैं ड्रामा देख रही थी इश्क मुर्शिद, पता नहीं अभी ये स्क्रीन में नजर भी आ रहा है या नहीं क्योंकि लाइट बहुत कम है। तो बस इसके साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, चलो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, अभी के लिए दीजिए इजाजत, अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।